प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। बीजासार या बीजासाल भी कहते हैं, ये पौधा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि न सिर्फ ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, मधुमेह को कंट्रोल करता है, क्योर करता है, बल्कि और बहुत से इसके विशेष गुण हैं। और यहाँ पर ये हम बॉटनिकली इसको टेरोकार्पस मार्सोपियम कहते हैं, और भारत के विभिन्न प्रदेशों में ये प्राकृतिक रूप से उगता है। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में तो बहुत अधिक मात्रा में ये इसके पेड़ पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से भी, और कुछ लोगों ने इसकी खेती भी शुरू की हुई है। तो ये इसकी ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा कम समय में डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योर करता है। तो यहाँ जो मैं जिस पेड़ के पास में खड़ा हुआ है, ये अभी 2 साल पुराना ही पेड़ है। जब पेड़ थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उस समय इसकी लकड़ी, इसका गोंद, इसकी पत्ती, इसका फल, इसके फूल सभी डायबिटीज़ की दवाइयों में काम आते हैं। दवाई डायबिटीज़ तो एक है, बाकी और भी थोड़ा सा मैं संकेत करूँगा आप लोगों को। तो ये पौधा न सिर्फ आयुर्वेद में बल्कि यूनानी में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में और अल्टरनेटिव मेडिसिन में, सब में ये इसकी दवाई बनती है या इसका उपयोग होता है। तो इसमें इस समय मैं आपको इसके बारे में ख़ास बात ये बता दूं कि इसकी लकड़ी के बने बनाए गिलास मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। उस गिलास में रखा हुआ पानी रात में रख देते हैं और सुबह उस पानी को पी लेते हैं। सिर्फ पानी के पीने मात्र से ही लगभग एक महीने में डायबिटीज़ इसकी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। तो एक तो डायबिटीज़ में इसके डायरेक्ट लकड़ी का गिलास बना करके यूज करते हैं, उसी लकड़ी के गिलास का जो पानी है, पानी बहुत कड़वा हो जाता है। उस कड़वे पानी को जब आँखों में डालते हैं तो जिसकी आँखें कमज़ोर हैं, जिसकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, उसको भी बहुत जल्दी ही ये ठीक कर देता है। चक्षु से कहते हैं उस प्रॉपर्टी को। इसका गोंद कड़वे गोंद के नाम से मशहूर है, यानी कि पत्तियों के रस को थोड़ा सुखा करके वो गोंद बन जाता है। काला गोंद भी कहते हैं, कड़वा गोंद भी कहते हैं, और यूनानी में वो बहुत वंडरफुल मेडिसिन है, न सिर्फ डायबिटीज़ के लिए बल्कि करीब करीब 20-21 बीमारियां हैं यूनानी में जो इसके द्वारा क्योर होती है। बाकी आयुर्वेद में डायरिया, अतिसार, जिसको यानी कि आँतों की तकलीफें हों, जिसका सिंड्रोम हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं, हजम ना होता कुछ भी, ऐसे लेटरिन के रास्ते बिना हजम किया हुआ निकल जाता है, उसको भी पूरी तरह से ये कंट्रोल कर देता है। अतिसार के लिए उपयोगी है, और डायबिटीज़ का मैंने आपको बता दिया, आँखों के लिए मैंने आपको बता दिया आयुर्वेद में। बाकी किसको कंस्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, जिनको कब्ज आप जानते हैं सब चीज़ों की जड़ है, तो कब्ज को भी ये पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से ये ठीक कर देता है। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली इसकी जड़ों को यूज इसलिए नहीं करते, अगर जड़ों को इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को नुकसान हो जाएगा। तो पौधा चूँकि बहुत धीमी गति से बढ़ता है, इसलिए हम इसकी जड़ों के बजाय इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ, इसका गोंद, इसकी लकड़ी, वो भी ऐसी लकड़ी जो सूखे हुए पेड़ की लकड़ी बनती है, मैच्योर पेड़ की लकड़ी बनती है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रोपेगेशन इसका हम लोग पत्तियों से, इसका लोग टहनियों से भी करते हैं, कटिंग के माध्यम से भी होता है, बीजों के माध्यम से भी होता है। तो ये इस प्रकार से बड़ा ही कॉमन प्लांट है, अगर किसान अपने खेत पर इसको लगा ले, बाकी उसकी फसल चलती रहेंगी, लेकिन उसमें बीच बीच में ये लगा दें, और जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे गेहूँ बोलें बाकी ज़मीन में, और ये करीब 5-6 साल में उपज देना शुरू कर देता है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।